हेलो दोस्तों, MRSC टेक्नीशियन में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो हम आप लोगों को सेंट्रिफ्यूगल फिलर के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे तो हम आप लोगों को बोर्ड पे ड्राइंग के साथ हम बताए हैं कि क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, तो प्रैक्टिकल में हम आज आप लोगों को ये सिस्टम दिखाना चाहते हैं। ये कैरियर का हमारा चिलर है, एवरग्रीन चिलर। ये कैरियर कंपनी का ये 500 DR का ये जो है हमारा चिलर है, 550 DR समथिंग है ये चिलर का कैपेसिटी। हाँ फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आप लोगों को ये, लेकिन अगर आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप चिलर सिस्टम को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से के लास्ट तक बने रहें, जो खास करके नए बंदे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी जो पुराने हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं अगर कुछ चीज़ें तो आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ नए लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल में। चिलर में बेसिकली चार साइकिल होता है, अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा होता है कंडेंसर वाटर साइकिल, और तीसरा हमारा होता है चिल्ड वाटर साइकिल, और एक चौथा होता है एयर साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये लोकेशन, ये जो है हमारा, ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर का ये पूरा पार्ट है जो है, इधर कंप्रेसर है, पीछे मोटर साइड है, ये एम्पेलर का ये पार्ट जो है, इसके अंदर एम्पेलर रहता है। ये हमारा गाइड वैन है, और बाकी देखिए गाइड वैन के पीछे एक्चुएटर लगाया हुआ है। तो इसके फंक्शन क्या है, इसका सेंट्रीफ्यूगल चिलर का हम अलग से आपको बताएंगे कैसे पूरा वर्किंग प्रिंसिपल इसका। नॉर्मली जैसा हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंप्रेसर से कंडेंसर में जाता है रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर के बाद जो है एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, और उसके बाद जो है इवेपरेटर में जाता है। तो उसी हिसाब से ये भी काम करता है, लेकिन इसका जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर का जो कंट्रोल होता है हमारा रेफ्रिजरेंट का, वो हमारा गाइड वैन जो है ना, वो एक्सपेंशन वाल्व के जैसा काम करता है। इसमें हाई साइड लो साइड फ्लॉट वाल्व का यूज किया जाता है। और दूसरी बात की जो भी हमारा ये जो है कंप्रेसर से ये जो सटा इंसुलेशन किया हुआ है, ये हमारा इवेपरेटर है। जो भी जहां पे आप देखो इंसुलेशन किया रहेगा वो इवेपरेटर रहेगा, और ये जस्ट आप ये देख रहे हैं ये इंसुलेटर नहीं है, ये जो हमारा पार्ट है कंडेंसर है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक बगल से ये हमारा सक्शन लाइन आ रहा है। ठीक है, और सक्शन लाइन से जो है रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जा रहा है, और कंप्रेसर में जाने के बाद जो है यहाँ से ये डिस्चार्ज करेगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हमारा कंडेंसर है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा कंडेंसर में ये डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर नीचे से देखिए इधर में, अब उसके बाद आपको बताते हैं। तो हम वापिस आ जाते हैं इधर में और आपको इधर का कुछ दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रेशराइजेशन यूनिट लगाया हुआ है यहाँ पे, पानी को प्रेशर को बनाए रखने के लिए ये इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इधर में हमारा मेकअप टैंक है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्राइमरी पंप है। ठीक है, प्राइमरी पंप में क्या होता है, ये जो हमारा HU से जो पानी आ रहा है ना, रिटर्न पानी जो आ रहा है, ये हमारा प्राइमरी पंप में आ रहा है, और प्राइमरी पंप से ये निकल करके ये हमारा जा रहा है एवापरेटर कॉइल में। ठीक है, एवापरेटर में जा रहा है, और यहाँ पे वापस कूलिंग हो करके वापस जो है ऊपर से डिस्चार्ज हो करके चिल्ड वाटर का जो फ्लो देख रहे हैं आप, ये हमारा चिल्ड वाटर फ्लो है। ठीक है, और ये जो आप इधर में देख रहे हैं ये पंप में जो आ रहा है, ये हमारा चिल्ड वाटर रिटर्न है, CSWR लिखा हुआ है ना, चिल्ड वाटर रिटर्न और चिल्ड वाटर फ्लो। तो चिल्ड वाटर फ्लो क्या है, सबसे पहले जाता है हमारा ये सेकेंडरी पंप में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंडरी पंप, दो पंप लगाया हुआ है, एक स्टैंड बाई में है, दो चिलर भी है, एक स्टैंड बाई में है। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंडरी पंप। ये फ्लो जो है ना, ये चिल्ड वाटर का जो फ्लो है, ठीक है, चिल्ड वाटर का फ्लो जो है हमारा सेकेंडरी पंप में आया, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और ये यहाँ से थ्रो करेगा HU के लिए। ठीक है, ये हमारा जाएगा किधर, HU में, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेकेंडरी पंप का यूज किया जाता है, वरना कहीं कहीं ओनली प्राइमरी पंप से भी काम चल जाता है। ठीक है,
ये यहाँ से जाएगा एचयू में, और एचयू में वहाँ पे एयर साइकिल का प्रोसेस होता है, जैसा कि डक्ट के जरिए वहाँ पे रिटर्न एयर डक्ट और सप्लाई एयर डक्ट यूज़ किए जाते हैं, और आपको फिर फीडिंग एरिया में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कूलिंग एयर का, वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। फिर रिटर्न एयर जो हीट होकर के आता है एचयू में, तो वापस वहाँ पे जो हम लोग चिल्ड वाटर सप्लाई दे रहे हैं उसके जरिए वो कूलिंग होता है। तो ये सब हम आप लोगों को साइकिल बताए हैं ऑलरेडी थ्योरी में और बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको कंडेंसर वाटर साइकिल दिखाते हैं, ये हमारा चिल्ड वाटर साइकिल हो गया। कंडेंसर वाटर साइकिल में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर वाटर साइकिल है, दो पंप यहाँ भी लगाए हुए हैं एक स्टैंड बाई में। ये जो हमारा कूलिंग टावर से जो है पानी आ रहा है, अभी दिखाते हैं, ये जो आप ऊपर में दो देख रहे हैं ना टेरिस पे कूलिंग टावर लगाया हुआ है, कूलिंग टावर से पानी जो है हमारा आ रहा है कंडेंसर पंप में, और ये कहाँ भेजेगा हमारा, ये देखिए यहाँ से होते हुए और ये ऊपर में ये भेज रहा है हमारा कंडेंसर में, चिलर का कंडेंसर में, जो रेफ्रिजरेंट हमारा जो एक्सपेंसर सॉरी जो कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपरहीट वेपर का रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है कंडेंसर में, तो कंडेंसर में वो उसको क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्मेट में करने के लिए, वेपर से लिक्विड में बदलने के लिए यहाँ पे कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कूल्ड चिलर है ना। तो ये हमारा पानी है जो इन कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर पानी इन करेगा और बाद में इसका ट्यूब में पानी है, सेल में रेफ्रिजरेंट है, इसका ट्यूब में पानी है और सेल में रेफ्रिजरेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे ये सेल साइड में डायरेक्ट आ रहा है रेफ्रिजरेंट, और यहाँ जो ये ट्यूब का एरिया है ट्यूब में जा रहा है पानी, ठीक है, और वो फिर रेफ्रिजरेंट का कांटेक्ट में आ करके उसका हीट को ले करके, और ये वापिस जो है ये आप जो देख रहे हैं वापिस ये चले जाता है कहाँ पे, कूलिंग टावर में, ठीक है, और फिर वो कूलिंग टावर में पानी फिर ठंडा होता है, फिर वापिस हमारा कंडेंसर में आता है। तो कंडेंसर वाटर साइकिल का क्या काम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कंडेंसर में पानी को थ्रो कराता है और उसका हीट को लेकर के वापिस जाता है कूलिंग टावर में और फिर आता है। तो यहाँ पे आप प्रेशर देखने के लिए कि हमारा वो पंप का प्रेशर चल रहा है कि नहीं, कितना प्रेशर आ रहा है, जितना भी साइड पे कैलकुलेशन के हिसाब से प्रेशर सेट किया जाता है, तो प्रेशर वो चल रहा है कि नहीं उस हिसाब से ये आएगा, ठीक है। ये बंद है हमारा ये चिलर कंडेंसर पंप, तो इसलिए जो है इसमें प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये प्रेशर हमारा आएगा हम देखने का, और उससे कम से कम डेल्टा पी जो है 5 PSIG का डिफरेंस होना चाहिए, 4 से 5 PSIG का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसके बाद जो निकलेगा इसका एक अलग टॉपिक है, लंबा हो जाएगा वीडियो, और डेल्टा टी भी हमारा जो है 5 से 7 हमारा मिलता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सेम हमारा चिलर में भी डेल्टा टी वैसा मिलना चाहिए और डेल्टा पी वही मिलना चाहिए, मतलब प्रेशर जाएगा जितना इन, अगर ज़्यादा जा रहा है तो आउट कम होएगा, वो चिलर का हो या कंडेंसर का हो, ठीक है। और बाकी ये जो आप जो भी ये बल्ब देख रहे हैं ये सब जो है यहाँ पे DRV लगा हुआ है, यहाँ पे गेट बल्ब लगा हुआ है, तो इस तरह का जो भी बल्ब लगे हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आप किसी नए साइड पे जाते हैं तो ये सब चीज़ जितने भी बल्ब लगे हुए हैं वो सब चेक कर लें, तो उसके बाद बेहतर रहेगा, समझ गए। अभी यहाँ पे देखिए ये कंडेंसर के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे अपना कूलिंग टावर में पानी के अंदर जो भी कचरा आ जाता है, जो भी अल्कलाइन काई जम जाता है, बहुत सारा कुछ बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है, तो उसको ये साफ करने के लिए, क्योंकि वो बाद में हमारा पाइप में आएगा तो पाइप ख़राब करेगा या फिर फिन्स वगैरह ख़राब करेगा उधर कूलिंग टावर का, तो इसके ले करके हम लोग केमिकल ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल दोनों चिलर के लिए अलग अलग है, वो चिलर का अलग है, ये चिलर का अलग है, दो सेपरेट पार्ट किया हुआ है, समझ गए। और ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट ये हम लोग का नहीं आता है AC में, कहीं कहीं पे मेंटेन करने का नहीं, तो इसका एक अलग टीम होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल में आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक देखिए कंडेंसर पंप रनिंग है दूसरा चिलर का, ठीक है, कूलिंग टावर फैन 1 और 2, तो ये दोनों जो है हमारा अभी बंद है, ठीक है, चिलर बंद है, ये प्राइमरी पंप एक हमारा रनिंग है क्योंकि वो टेम्परेचर पे कट ऑफ हो गया है, और बाकी ये केमिकल डोजिंग पंप वो हमारा ऑटो सिस्टम उधर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमको चिलर चालू करना है तो हमको पहले देख लेना है कि पावर सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है,
ये पैनल जो है ये सिर्फ जितना भी पंप वगैरह है उसके लिए है, ठीक है, और बाकी चिलर का अलग पैनल रहेगा। देखिए ये हमारा चिलर है, तो चिलर का यहाँ पर पैनल बॉक्स लगाया गया है, ठीक है, दिखाते हैं आपको यहाँ पर इसका। ये आप वोल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट इसको मिल रहा है, ठीक है ना। सब फेज में आप बारी बारी चेक कर सकते हैं, एम्पियर जब रनिंग हो जाएगा तो एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। ऐसे डिस्प्ले भी दिया हुआ है, डिस्प्ले में आप देख लीजिए कि कितना वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं। तीनों फेज में देख रहे होंगे वो चेंज हो रहा है वोल्टेज, ठीक है। अभी चिलर चालू नहीं है इसलिए एम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इमरजेंसी स्टॉप के लिए, यहाँ पर ये बटन दिया गया है। तो अभी हम आप लोगों को चिलर चालू करके भी दिखाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से चालू करते हैं। तो ये तो हमारा चलो ये हमारा प्लांट रनिंग है, तो हमको ज़्यादा बल्ब वगैरह सब सेटिंग किया हुआ है, कुछ भी हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर पे कट ऑफ हुआ था, तो अभी हमको जब इसको स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। और अभी पानी का सप्लाई देख लेते हैं, ये चिल्ड वाटर सप्लाई इन एंड अभी आउट बंद है, तो दोनों सेम लगभग दिखा रहा है। और फिर ये टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, इन और आउट का, चिल्ड वाटर का। तो ये जब हमको स्टार्ट करना होगा तो हम इसको अभी टेम्परेचर और आने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 14-15 में हम इसको स्टार्ट करेंगे, बाकी यहाँ पे रनिंग आवर्स है। तो स्टार्ट करने के लिए हम ये लोकल को सिर्फ क्लिक करेंगे, ठीक है, लोकल को प्रेस करेंगे यहाँ बटन, तो हमारा चिलर जो है स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग को कूलिंग टावर का फ़ैन भी चालू करने का, पहले पंप वगैरह आप अच्छे से चेक कर लो, सब पंप प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप रनिंग है कि नहीं है वो आप देख लो, ठीक है, जब भी आप चालू करने जाओ, क्यों बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वो पंप को चला करके रनिंग कर लेंगे, और बाद में हम लोग फिर कूलिंग टावर वगैरह फैन रनिंग करेंगे, बाद में चिलर चालू करेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग चिलर चालू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और बाकी वीडियो में सब क्योंकि अलग अलग पार्ट का डिस्टेंस लंबा लंबा होता है ना, तो सब चीज़ को दिखाना और एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम थ्योरी में बोर्ड पे आप लोगों को सब एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन किए भी हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और बाकी जो भी होगा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस तरह का हम आप लोगों को बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया, अच्छा लगा। तो चले फिर अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।